मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चीनी हुकूमत के साथ राब्तों का इल्ज़ाम, टोरंटो से ताल्लुक रखने वाले एमपी ने खुद को लिबरल कॉकस से जुदा कर लिया। एमपी हॉन्डोंग का कहना था कि अपने ऊपर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम का दिफा करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कनाडा का दौरा, इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। अमरीकी सदर कैनेडियन वजीर आजम से मुलाकात और पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान सरहदी खदशा, दिफाई तरजीहात समेत अहम उमू जेर बहस आएंगे। कैनेडा ने यूक्रेनियों के लिए एमरजेंसी ट्रेवल प्रोग्राम में तौसी कर दी। जंग से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदे जुलाई के वस्त तक कैनेडा के मुफ्त वीजे की दरख्वास्त दे सकते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि प्रोग्राम यूक्रेनी बाशिंदों को 3 साल तक कैनेडा में रहने की इजाज़त देता है। अमरीका और चीन के दरमियान तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी फौज का कहना है कि अमरीकी जंगी जहाज को खबरदार करके साउथ चाइना सी से भगा दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी जंगी जहाज ने साउथ चाइना सी में मामूल की कार्रवाई की। रूस की यूक्रेन को यूरेनियम वाला गोला बारूद देने पर बरतानिया को वार्निंग। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन को यूरेनियम वाले गोला बारूद देने से कशीदगी में इजाफा होगा। बरतानवी इकदाम से रूस इसका जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कनाडा के मामलात में चीनी हुकूमत की मदाखलत के इल्जामात की जद में आने वाले टोरंटो के इलाके के एमपी हॉन्डोंग का कहना है कि वो लिबरल कॉकस छोड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में एक आजाद रुकन के तौर पर बैठेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के मामलात में चीनी हुकूमत की मदाखलत के इल्जामात की जद में आने वाले टोरंटो के इलाके के एमपी हॉन्डोंग का कहना है कि वो लिबरल कॉकस छोड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में एक आजाद रुकन के तौर पर बैठेंगे। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि मैं ये गैर मामूली इकदाम इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हुकूमती कॉकस में बैठना एक एजाज है और वहाँ मेरी मौजूदगी को कुछ लोग फर्ज के तनाजे के तौर पर देख सकते हैं और एक आजाद तहकीकात के तौर पर गलत जगह होना इस मामले में हकीकत की पैरवी करता है। मैं आजाद रुकन के तौर पर बैठूंगा ताकि हुकूमत और दर हकीकत पार्लियामेंट के बिलों में खलल ना पड़े, क्योंकि मैं अपना नाम साफ करने के लिए काम करता हूँ और पार्लियामेंट और कनाडा के लोगों के सामने सच्चाई पेश की जाती है। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब एक मीडिया रिपोर्ट में डोंग पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने फरवरी
2021 में एक सीनियर चीनी सिफारतकार को मशवरा दिया था कि बीजिंग को उस वक्त चीन के जेर हिरासत दो कैनेडियन माइकल कॉब्रेक और माइकल स्पेवर को रिहा करने से रोकना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट में कौमी सलामती के दो नामालूम जराए का हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि डोंग ने यह तजवीज इसलिए दी क्योंकि उनकी रिहाई कंजर्वेटिव के लिए मददगार साबित होगी। डोंग का कहना है कि अपने ऊपर लगाए गए झूठे इल्जामात का दिफा करूंगा, लेकिन मैं आपको एक पार्लियामेंटेरियन और एक शख्स के तौर पर यकीन दिलाता हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना कभी करूंगा, और ना ही कभी किसी कैनेडियन किसी के भी कहीं भी किसी भी वक्त की बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी की हिमायत करूंगा। अमरीकी सदर कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में अपने क्याम के दौरान वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे और जुमे को पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन कनाडा आ रहे हैं, वो कनाडा के अपने मुख्तसर लेकिन तवील इंतजार के रातों रात सरकारी दौरे का आगाज कर रहे हैं। उनके इस दौरे के दौरान सरहदी खदशा, दिफाई तरजीहात समेत अहम उमूर जेर बहस आएंगे। इस दौरे से पहले दोनों ममालिक माइग्रेशन पॉलिसी से लेकर यूक्रेन के लिए हिमायत जारी रखने तक वसी मुमकिन मौजूदात को तरतीब दे रहे हैं। दारुल हुकूमत ऑटावा में अपने क्याम के दौरान बाइडन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे और जुमे को पार्लियामेंट से खिताब करेंगे, लेकिन उनके और रियासत हाय मुतहदा की खातून अव्वल जिल बाइडन के अपने सफर के प्रोग्रामों में कुछ और प्रोग्राम भी शामिल हैं, जहाँ कैनेडा अमरीका के अहम मसाइल और मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तैयारी की कई सतहों के साथ बड़ी हिफाजती एहतियाती तदाबीर और पुलिस की बढ़ती हुई मौजूदगी बशमूल US सीक्रेट सर्विस RCMP और सूबाई और मकामी अफसरान नेस आसमान पर फौजी तैयारी से लेकर सड़कों की वसी बंदिशों तक बाइडन का मुख्तसर सफर सरहद पार तालुकात में एक अहम वाकया है। पूरे शहर में अमरीकी परचम लटका दिए गए हैं, मेन होल के अहाते को जबरदस्ती बंद कर दिया गया है और शहर हाई प्रोफाइल जायरीन की आमद के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जॉन किर्बी ने बुध को कहा कि ये एक मुख्तसर सफर के लिए काफी मसरूफ शेड्यूल है, ये एक बामायनी दौरा है, कैनेडा रियासत हाई मुतहदा के करीबी इत्तेहादियों और दोस्तों में से एक है और अब से 150 साल से ज्यादा हो चुका है। 2009 के बाद कैनेडा में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली हकीकी जाती तौर पर दो तरफा मुलाकात होगी। कनाडा ने बैरून मुल्क मुकीम यूक्रेनी बाशिंदों को जुलाई के वस्त तक मुफ्त एमरजेंसी वीजे के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ने बैरून मुल्क मुकीम यूक्रेनी बाशिंदों को जुलाई के वस्त तक मुफ्त एमरजेंसी वीजे के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त दी है। वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम यूक्रेनियों को जुलाई के वस्त तक कनाडा के लिए मुफ्त आर्जी वीजे के लिए दरख्वास्त देने के लिए एक हंगामी प्रोग्राम के तहत देगी, जो गुज़िश्ता साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद नाफिज किए गए थे। इमिग्रेशन पनाहगुज़ीनों और शहरियत के वजीर शॉन फ्रेजर ने बुध को ऐलान किया कि यूक्रेन और उनके खानदान के अफराद के पास 15 जुलाई तक विजिटर वीजे के लिए दरख्वास्त देने का वक्त है बगैर किसी फीस के। कनाडा यूक्रेन की इजाजत बराए हंगामी सफरी प्रोग्राम के तहत इस तारीख के बाद मयारी फीस और तकाजे लागू होंगे। इससे कबल आखिरी तारीख 31 मार्च थी। प्रोग्राम यूक्रेनी बाशिंदों को 3 साल तक कनाडा में रहने की इजाजत देता है और उन्हें यहां रहते हुए काम करने और तालीम हासिल करने की इजाजत देता है। विजिटर वीजे की मयारी मुद्दत 6 माह है, जिसकी फीस $100 से शुरू होती है। शॉन फ्रेजर ने एक न्यूज रिलीज में कहा, हम यूक्रेन पर रूस के गैर कानूनी और बिला जवाब हमले से फरार होने वालों की मदद के लिए पुरअज़म है। हम यूक्रेनी बाशिंदों को एक आर्जी महफूज पनाहगाह और अहम आबादकारी की खिदमात और मुआवनत फराहम करने के लिए काम जारी रखे हुए हैं, जो उन्हें कनाडा भर की कम्युनिटीज में तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए दरकार है। कनाडा यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा रहेगा, बशमूल वो लोग जो रूस के हमले से फरार होने पर मजबूर हुए हैं। 17 मार्च 2022 और 16 मार्च 2023 के दरमियान कनाडा को इमरजेंसी ट्रेवल प्रोग्राम के तहत तकरीबन 9,44,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 6,16,000 से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। 16 मार्च तक 1,35,000 से ज्यादा लोग कनाडा पहुंच चुके हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका की जानिब से चीनी समंदरी हदूद के खिलाफ वर्जी की गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका की जानिब से चीनी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। चीनी फौज ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिकी जंगी जहाज गैर कानूनी तौर पर साउथ चाइना सी में दाखिल हुआ, जिसे चीनी अफवाज ने खबरदार करके भगा दिया। चीन की फौज ने कहा है कि अमेरिका के जंगी जहाज ने जनूबी चीन के समंदरी हदूद के खिलाफ वर्जी की है। US डिजास्टर गैर कानूनी तौर पर जजायर पारसेल में दाखिल हुआ, जिसे हदूद से बेदखल किया गया।
गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक चीनी फौज ने कहा कि अमरीकी गाइडेड मिजाइल डिस्ट्रॉय चीन के इलाकाई पानियों में घुसा, जिसने मसरूफ आबी गुजरगाह में अमन इस्तेहकाम को कमजोर किया। चीन ने खबरदार करते हुए कहा है कि कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। चीनी फौज का कहना है कि चीनी फोर्सेज हर वक्त हाई अलर्ट रहेंगी। कौमी खुद मुख्तारी साउथ चाइना सी में अमन और इस्तेहकाम के तहफ्फुज़ के लिए तमाम इकदाम करेंगे। दूसरी जानिब चीनी फौज के इल्ज़ाम पर अमरीकी बहरिया ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीकी जंगी जहाज ने साउथ चाइना सी में मामूल की कार्रवाई की, उसे निकाला नहीं गया। जहां भी आलमी कवानीन इजाजत देते हैं वहां अमरीका नकलो हरकत जारी रखेगा। अमरीकी डिस्ट्रॉय को साउथ चाइना सी से निकाले जाने से मुतालिक चीन का बयान गलत है। रूस ने बरतानिया को खबरदार किया है कि यूक्रेन को यूरेनियम वाला गोला बारूद देने से कशीदगी में इजाफा होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने बरतानिया को खबरदार किया है कि यूक्रेन को यूरेनियम वाला गोला बारूद देने से कशीदगी में इजाफा होगा। रूस के सदर प्यूतन भी बरतानवी इकदाम की सूरत में रूस के जवाबी रद्द अमल का कह चुके हैं। बरतानिया ने अमरीका और दीगर इत्तेहादियों के नक्शे कदम पर चलते हुए रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत करने के लिए जंगी टैंकों के साथ यूरेनियम पर मुश्तमिल टैंकर के गोले फराहम करने का कहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर ने वाजे किया है कि बरतानिया ने यूक्रेन को यूरेनियम के हामिल टैंकों को तबाह करने वाला गोला बारूद फराहम किया तो मास्को शदीद रद्दअमल देगा। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का कहना है कि बरतानवी इकदाम मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ने का सबब बनेगा। यूरेनियम वाले गोला बारूद के इस्तेमाल से यूक्रेन की आला मयार और गैर आलूदा खुराक तैयार करने की सलाहियत तेजी से कम हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज सदर प्यूतन ने कहा था कि बरतानवी इकदाम से रूस इसका जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। बरतानिया ने यूक्रेन को जंगी टैंकों के साथ यूरेनियम पर मुश्तमिल टैंकर के गोले फराहम करने का कहा है। दूसरी जानिब बरतानिया की वजारत दिफा ने प्यूतन के इंतबाह को मुस्तरद करते हुए कहा कि यूरेनियम वाले गोले कई दहाइयों से मयारी आलात रहे हैं और उनका जौहरी हथियारों या सलाहियतों से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानवी वजारत दिफा ने रूस पर गोला बारूद को जौहरी अज्जा वाले हथियार के तौर पर बयान करने के लिए जान बूझ कर गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम लगाया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।